राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां एमएलसी सुनील कुमार सिंह का फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है और उस फेसबुक पोस्ट से उन्होंने एक पोल डाला था जिसमें उन्होंने पूछा था कि देश का सबसे अविश्वसनीय राजनेता कौन है, जिस पर ऑडियंस कमेंट कर रही है और कमेंट्स में लिख रही है कि नीतीश कुमार। और जहां बात की जाए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई माने जाने वाले एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने ये पोस्ट किया है और उन्होंने तीखा हमला किया है नीतीश कुमार पर। इसी क्रम में उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि अगर यूपीएससी में सवाल आए कि देश का सबसे अविश्वसनीय राजनेता कौन है तो इसका जवाब क्या होगा। इसी कड़ी में यूजर्स की ओर से जवाब आया है नीतीश कुमार। आपको बता दें कि उनके पोस्ट पे यूजर्स ने खूब सारे रिएक्शन दिए हैं और नीतीश कुमार को खूब ट्रोल किया जा रहा है। पटना से हमारे ब्यूरो चीफ एस के राजीव जुड़ चुके हैं। तो एस के राजीव, सुनील सिंह के इस सोशल मीडिया पोस्ट पर जिसमें उन्होंने पूछा है कि देश का सबसे ज्यादा अविश्वसनीय राजनेता कौन है, इस पर पब्लिक का जवाब आ रहा है, पब्लिक नीतीश कुमार को लगातार ट्रोल कर रही है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, दरअसल में काजल, अब से लगभग 3 से 4 घंटा पहले जो है वो सुनील कुमार सिंह, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं और नीतीश और लालू यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं, इवन की राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, उन्होंने अब से 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने सवाल लिखा है कि अगर यूपीएससी में यह सवाल पूछा जाए कि देश का मोस्ट अनरिलेबल पॉलिटिशियन कौन है तो इसका जवाब क्या होगा, और उसमें जो जवाब आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का नाम आया है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बिहार में आरजेडी बनाम जेडीयू के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है कि एक तरफ जब सुनील, जो कि लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी सिपहसालार माने जाते हैं, उनकी तरफ से फेसबुक और ट्विटर पर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को आरजेडी की तरफ से अब टारगेट किया जा रहा है। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि आज से 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव अचानक दिल्ली चले गए थे, हालांकि उन्होंने बहुत सारे मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दिया था, लेकिन यह जरूर कहा था कि जब वो लौट करके आएंगे तो उसके बाद वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर जो है वो पॉलिटिकल जो लड़ाई उनकी चल रही है उसको वो लड़ेंगे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से सुनील कुमार सिंह लगातार नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर हैं, उससे ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि आरजेडी और जदयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि आरजेडी लगातार ताबड़तोड़ हमले जो है नीतीश कुमार पर कर रही है। जी काजल। जी एसके राजीव, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 22 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 22 स्कोप ऐप।